हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगी। सबका न्यू ईयर अच्छे से मनना होगा। गाइज, कल रात को तो मैं सो गई थी, फीवर हो गया था मुझे। अभी बज रहे 9, तो अभी मैं आज का न्यू ईयर के दिन का व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने, हरिद्वार में ही हैं अभी हम। अब देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं, आपको चलिए आगे दिखाते हैं। और अभी नहाएंगे, फिर पूजा करेंगे, उसके बाद कहाँ जाते हैं देखिए। चलिए किशु, कहाँ जा रहे हो? नहाने। कहाँ जा रहे हो नहाने? गंगा जी में नहा रहे हैं। हाँ, ये जो पहन के नहाओगे? नहीं, ये सब नहीं पहन के नहाऊंगा, इतना सब कुछ। ठीक है, उसके बाद चढ़ाई करूँगा। उसके बाद चढ़ाई करेगा ये? किस चीज पे चढ़ाई करेगा? मनसा देवी। मनसा देवी की तरफ। हाँ, ठीक है। हम जा रहे हैं नहाने अभी मार्केट की तरफ से। ये देखिए, नौ बजे तक यहाँ पे शायद मार्केट खुली रही थी, रात को शायद बंद हो जाता है, पता नहीं। और यहाँ से देखिए सीढ़ी से जाते हैं पार्किंग में, जब यहाँ पे गाड़ी लगा के उसके बाद। और ये यहाँ से देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बड़े साइड का जो ज़्यादा चौड़ा गंगा जी है वो देखिए कितना चौड़ा है और कितना अच्छा दिख रहा है। वहाँ उसमें मूर्ति है गंगा जी की। और भीड़ देखिए, व्यू यहाँ से सब, उस दिन इतना भीड़ था। वैसे वहाँ पे तो हमेशा भीड़ ही रहता है, सब आते हैं नहाने के लिए। तो जा रहे हैं पतिदेव आगे आगे, इस बैग में कपड़े लेके आपको वहीं पे जाना होता है नहा के, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने का अच्छा वो बना दिया है। और देखिए मेरे बेटू को, धूप निकल आई थी काफ़ी तेज, तो ठंड तो नहीं लग रही थी नहाने में। घुसना नहीं चलना। ठंड लग किसु, ए किसु, नैतिक नहा नहा, आप भी चाहिए बना ही लेती हूँ। नैतिक नैतिक तुम्हें ना और यहाँ पे बाद में ये लोग फोटो शूट करवा रहे थे, मैं भी करवाई थी। और ये लोग 5 मिनट के अंदर ही फोटो निकाल के दे देते हैं, और खुद से तो नहीं हो पाता है, नहाते रहते हैं, कैमरे पर पानी जाता रहता है, ये लोग थोड़ा अच्छे से खींच देते हैं। तो यही सब खिंचवा रहे थे, इसके बाद मैं भी। और ठंड तो इतना ज़्यादा लग रहा था, वो पानी जहाँ तक मतलब जा रहा था लग रहा था वो एरिया मतलब पूरा काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं पड़ रहा है ये जगह पैर भी है हाथ भी है ऐसे। कि मेरा बेटू कितने अच्छे से खिंचवा रहे फोटो। अब इसके बाद मैं अब होने चलिए अब
जैसे कि पहले ही मैंने बताया आपको कि पानी से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और यहाँ पे पतिदेव स्विमिंग कर रहे हैं। स्विमिंग यहाँ पे वही लोग करें जिन्हें बहुत मतलब अच्छी तरह से स्विमिंग आती है, नहीं तो ये स्विमिंग करने की जगह नहीं है, ये ऐसे ही कर लिए थोड़ा सा। और इसके बाद हम लोग तैयार कपड़ा वपड़ा पहन के रेडी हो गए थे, और ये यहाँ पर टीका लगाती रहती है सब लेडी सब जो रहती है वो, तो ज़रूर लगवाया कर, अच्छा लगता है। ऐसा बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, तो अच्छा लगता है वहाँ भगवान वाले जगह पे जाते हैं कहीं धर्म स्थल पे, और ये सब टीका अच्छा लगता है। वैसे मेरे पे अच्छा लग रहा था, मुझे खुद भी पसंद आया और भी लोग बोल रहे थे वहाँ पे, और मैं एक बड़ा वाला करवाई, मेरा बेटा भी ऐसे ही काफ़ी बड़ा सा एकदम करवाया, और हस्बैंड लोग छोटे छोटे से त्रिशूल लगवाए। तो देखिए आज हम लोग नहा लिए और अब जा रहे हैं, अब चल रहे हैं हम लोग ऊपर मनसा देवी का दर्शन करेंगे, और उसके बाद चलती हूँ, अभी बताती हूँ। नैतिक कहाँ डाला है बच्चा? कहीं नहीं, ऋषिकेश जा रहा हूँ। ऋषिकेश जा रहे हो? गाय, जब हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं तो यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगी है, अब यहाँ से हम और पार्किंग के जस्ट सामने ही आपको यहाँ से जाना होता है, सब जाते रहते हैं, आपको पता पड़ जाएगा, ये लक्ष्मण झूला है तो इसके ऊपर से हम जा रहे हैं। सब कुछ तो सही लगा मुझे यहाँ पे, लेकिन ये बाइक वाइक जो चला रहे हैं ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि चलने में लोग को ना डिस्टर्ब हो रहा है, एक तो ऐसे ही डर लग रहा था, और ऊपर से ये लोग बाइक सब चला रहे थे उसको। और देखिए व्यू यहाँ का कितना अच्छा लग रहा है, गंगा जी कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम पत्थर उत्थर छोटे छोटे से, इतना मस्त लग रहा था। इसका नाम हम मिनी गोवा दे सकते हैं, सॉरी मतलब गोवा का नाम दे रहे हैं गंगा जी को, लेकिन गोवा वाली फीलिंग आपको अगर लेनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, पूरी गोवा वाली फीलिंग आएगी। और रुकना है यहाँ पे, रुक के आपको नाइट के टाइम पे यहाँ पे कैंप लगा होता है, वहाँ पे आग वाग जलाते लोग वो करते, तो हम लोग रुक नहीं पाए क्योंकि हमें अगले दिन आना था हस्बैंड का इंस्टीट्यूट है, तो और ठंड का टाइम था, तो बेटा मेरा तो जिसकी कार लेके गए थे जिनके साथ उन्हें भी आना था, इस वजह से हम लोग आ गए। ये सबसे फर्स्ट मतलब बीच टाइप सबसे पहले उतरते हैं यहाँ, लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा है, राइट साइड में अगर जाते तो बीच वाला छोटा छोटा सा पत्थर एकदम रेत वेत सब बीच वाले के लिए, पानी इतना कितना साफ। भूख लग गई थी, पेट पूजा कर रहे हैं बैठ के, पतिदेव भी कर रहे हैं। यहाँ पे आना चाहिए सबको ना, बहुत अच्छी जगह मुझे लगी, मैं तो गोवा गई थी इससे ज़्यादा पसंद आया ये जगह, इतना अच्छा लगा यहाँ के यहाँ पे बैठ के ना, अलग ही मुझे सुकून मिल रहा था, शांति, रिलैक्स माइंड हो रहा था, जितनी भी टेंशन थकान जो भी कुछ है सब दूर हो गया ऐसा लग रहा था। और पानी में यहाँ पे खड़े हैं हम, और मैं शायद रील के लिए सॉन्ग चुन रही हूँ इंस्टा पे, अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके देखें, मैं बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रील बनाई हूँ यहाँ। और यहाँ पे पूजा हो रही थी, उत्तराखंड का सॉन्ग जो था वही शायद चल रहा था, सॉन्ग तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उधर का ही पहाड़ साइड का सॉन्ग चल रहा था। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं रोड पे, आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, ये राम झूला है, ये हिलता रहता है, अभी मैं दिखाऊँगी पूरा वहाँ पे जाके। अभी हमें रोड से इस साइड से उस साइड जाना है, तो रोड पे ही है। Yeah.
अब हम बोट से फिर से इस साइड से उस साइड तो चले गए। ये है राम झूला, ये जब चलते हो ना आप तो ये हिलता रहता है तो डर लगता है काफ़ी, लेकिन कोई गिरने की वो नहीं है, काफ़ी सेफ्टी है यहाँ पे, खतरा नहीं है। बस यहाँ पे ये बाइक लेके जो घूम जाते हैं बहुत बुरा लगता है। और यहाँ तो मंकी को देखिए आप कहाँ पे चल रहा था वो बेचारा, इससे हम लोग जा रहे हैं। इस पे राम जी झूलते थे क्या? व्यू दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ से वो जो बीच दिख रहा है ना वहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजा आया। मेरा बेटा घर बना रहा, पहाड़ बना रहा था और पता नहीं क्या क्या कर रहा था। आगे चलिए देखते हैं आप वो जाते टाइम, उससे पहले कि देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बनाया है। यहाँ पे बैठ के आप ना इन वादियों के बीच खो जाओगे पक्का, इतना सुकून मिलता है। जितनी भी टेंशन सब दूर हो जाती है। और मैं और मेरा बेटा इधर से ही जा रहे हैं नीचे नीचे इधर बीच की तरफ। देखो आप लोग सच में लग रहा है ना गोवा वाले बीच पे चले गए हैं एकदम। और गोवा में तो गंदगी भी रहती है, यहाँ पे धर्मस्थल की वजह से या पता नहीं क्या, वहाँ जब आप थोड़ा आगे जाओगे इतना साफ था, रेत जो था बिल्कुल आइस की तरह लग रहा था, साफ सुथरा काफ़ी सफाई था, तो काफ़ी अच्छा लगा। अब जा रहे हैं हम लोग घर, शाम हो गया है, 5-6 बज गए, तो आज हमें घर भी लौटना है। और अगर आप लोग को गोवा वाले बीच का मज़ा लेना है तो आप लोग यहाँ ऋषिकेश आ जाओ, वैसे ही बीच मिलेंगे, एकदम आइस जैसा ये रेत जो है, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। मेरा बेटा तो घर भी बनाया यहाँ पे, नाम भी लिखा, घर बनाया, लोग भी बहुत मस्ती की। कहते कि यहाँ पे घर बनाए, क्या बनाए, घर पहाड़ बनाया, पहाड़ बनाया था ये। और किसका नाम लिखे थे? अपना, अपना नाम लिखा था ये। और नाइट के टाइम का व्यू देखिए, ये राम झूला जो है यहाँ पे पूरा लाइट जलने लग जाता है, इतना मस्त लगता है, बहुत यहाँ पे नाइट के टाइम में बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जा रहे थे तो शूट कर लिए, इसके आगे गाइज कुछ शूट नहीं कर पाए। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो ब्लॉग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड फ्रेंड फैमिली में प्लीज़।